हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे। और भाई हो भी क्यों ना, जब तक यार हम आपके साथ में हैं जब तक तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। जो मेरे न्यू व्यूअर आए हैं भाई, उन लोगों से बस इतना सपोर्ट चाहिए कि भाई मैं लड़ रहा हूँ जंग लोकल के खिलाफ, ठीक है ना। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हमें यहाँ पे लोकल को पनपने नहीं देना है, उसको खत्म करना है, ठीक है ना। ओरिजिनल मांझे की वैल्यू मैंने बहुत अच्छे से समझाई है लोगों को, जिनको भी समझ में आया है उन्होंने भाई अपना प्यार बेखूबी दिखाया है। बस आप लोगों से निवेदन है, जो लोग लोकल मांझे को ओरिजिनल बनाने में लगे हुए हैं तो भाई उनके खिलाफ आवाज उठानी है। ओके पहली चीज तो ऐसे चैनल्स को रिपोर्ट मारनी है, और दूसरी चीज उनके प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। वो क्या काम कर रहे हैं, वो लोकल मांझे को बॉबिन्स में लपेट करके उस पर ओरिजिनल पैकिंग लगवा करके मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो भाई वो चीज बहुत ही गलत है। ऐसे में मासूम लोगों की जान जाती है, तो भाई उस चीज के खिलाफ आवाज उठानी है, उस चीज को भाई वहीं के वहीं रोक देना। दोस्तों सपोर्ट करिए इस चैनल को, अभिषेक जोन के अपने चैनल को, ठीक है ना। और ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करिए जो आप लोगों को इस तरह की चीजें दिखा रहा है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो भी कोई नया मांझा आता है वो सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है, आप सच बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। बात तो सही है दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस मुझे जितना बोलना था आपको मैंने बोल दिया। अब आपका काम है, ठीक है, अवेयर होना नहीं होना, मैं अपना काम करता रहूंगा, आपको ऐसे ही अवेयर करता रहूंगा, ठीक है भाई। आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो बवाल होने वाला है दोस्तों, मतलब बवाल मच जाएगा। क्यों मच जाएगा? क्योंकि तुम्हारा भाई आज फिर से एक गिव अवे लेके आ गया। मोनोकाइट फाइटर का जब मैंने गिव अवे निकाला था, तब मैंने उसमें ये बोला था कि भाई टेंशन मत लो, गिव्वे आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे? क्योंकि हर कोई गिव्वे में विनर नहीं बनता। तो भाई मैं किसी को ऐसे ही रोता हुआ या फिर कोई ऐसे उदास बैठ गया, मैं नहीं बना, उनको उदास नहीं बैठने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उनका भी हक है जीतने का। तो इसलिए चैनल पे गिव्वे आते रहेंगे, जैसे कि मैंने अपना वादा किया था, अपना वादा मैंने पूरा किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है ना। अब ये जो गिव्वे आने वाला है, ये कौन सा गिव्वे होगा सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, लेकिन अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब कर लो। आप लोग दोस्तों अपना पूरा पूरा सपोर्ट बनाए रखो। अच्छा, अब जो गिव्वे होने वाला है, और वो गिव्वे कौन सा होने वाला है, अभी आप ये सामने देख रहे हो क्रूज, तो भाई क्रूज मांझे का मैं गिव्वे करने वाला हूं। मजा आने वाला है दोस्तों, मजा। एक बार कमेंट में लिख दो भाई, तो भाई गिव्वे में क्या रूल्स होंगे, कैसे कैसे हमें गिव्वे को फॉलो करना है, आज की वीडियो में आपको मैं सब डिटेल्स बताऊंगा। मोनोकाइट फाइटर में जो गिव्वे किया था भाई, उसमें मयूर करके निकले थे गिव्वे के विनर। जो विनर निकला था मैंने उसका स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया था भाई, शाबाश। मुझे पता था कि पता नहीं कितने करके मयूर निकल के सामने आएंगे, तभी मैंने भाई उस पे स्टोरी डाल के बोला, मैंने कहा मुझे अपनी यूट्यूब की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दीजिए ताकि मुझे मैच करने में आसानी मिले। कोई ये रियल में वही मयूर जी है जिन्होंने गिव्वे को जीता है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे पता नहीं 50 से 100 बंदों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी और एक एक की मैच करी, किसी की मैच नहीं। रात को आ रहे भाई साहब 11 बजे, भैया मैं हूँ देखिए जरा। अरे भाई साहब, मतलब 11 बजे उसको हो जाया कि मैं गिवअवे का विनर हूँ और भाई ऐसे ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजनी है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि किसी के गलत हाथों में चला गया, सही हाथों में गया, बिल्कुल एकदम अप टू डेट। क्रूज वाले की बात करते हैं दोस्तों, क्रूज वाले का जो टास्क होने वाला ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। उसमें ज्यादा मैं आपको ये नहीं कहूंगा ये कर दो वो कर दो फलाना कर दो ढीना कर दो, ये कुछ नहीं कहने का मैं, ठीक है ना। दो ही टास्क दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। और इस बार का जो मैं गिवअवे विनर निकालूंगा ना, वो मैं इंस्टाग्राम से निकालूंगा। ओके पहला रूल सुन लीजिए ध्यान से, इंस्टाग्राम पे मैं क्रूज की फोटो को पोस्ट करूंगा, ठीक है। उस पे आपको कोई भी कमेंट कर देना है, बढ़िया सा कमेंट कर देना, और एक ही कमेंट करना है। कोई डबल डबल कमेंट करेगा, ध्यान से सुन लो, वो पार्टिसिपेशन से बाहर निकल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको सामने शो हो रहा होगा, वहां जाके फॉलो कर लीजिए। क्रूज की पिक को मैं वहां पे पोस्ट करूंगा, ठीक है। वहां पे आपको अपना प्यार दिखाना है, अपना कमेंट कोई भी अच्छा सा लिख दीजिए। आप कोई भी एक कमेंट लिख सकते हो, मेरे ऊपर लिख सकते हो, ठीक है ना, या मैं कैसा लगता हूं आपको, या मेरे अंदर की विचारधारा कैसी है, क्रूज कैसा लगता है, कोई भी मांझा कैसे अच्छा लगता है आपको, वो आप लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है भाई। सबसे पहला रूल तो ये। दूसरा रूल है भाई, अभी मेरे चैनल पे दोस्तों सब्सक्राइबर आप देख रहे होंगे 14,000 के आसपास चल रहे हैं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जो गिव्वे का टारगेट है ना, 17K होते ही गिव्वे अनाउंस हो जाएगा। पता है हरामी हो बेटा। और एक नहीं मिलेगा क्रूज, दो दो विनर निकलेंगे, दो दो। क्या बात है सर, ये तो टारगेट है दोस्तों 17K का। आज तारीख हो गई 2, तो मैं 5 तारीख को गिव्वे का रिजल्ट अनाउंस करूंगा। अगर 5 तारीख तक 17K हो गए तो गिव्वे का रिजल्ट आ जाएगा, अगर नहीं होते हैं तो भाई गिव्वे वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, मतलब कि गिव्वे कैंसिल हो जाएगा। तो 5 तारीख तक मैं इसमें टारगेट लेके चलाऊं, तो 5 तारीख तक आप 17K करवा देना चैनल पे, क्योंकि आप लोगों का चैनल है तो भाई आप लोग जानो, मुझे नहीं पता कुछ भी, ठीक है। बस ये दो ही टारगेट रखे हैं, 17K सब्सक्राइबर का टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके दूसरा दोस्तों, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूंगा क्रूज की, उस पर कमेंट करना है कोई बढ़िया सा, सिर्फ एक, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, बस ये चीज आपको फॉलो करनी है। और भाई एक चीज और सुन लो ध्यान से, कुछ लोग इतनी शानपति कर रहे थे कि मोनोकाइट फाइटर वाले गिव्वे में उन्होंने क्या करा, बस कमेंट करा चैनल को सब्सक्राइब, कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं करा उन्होंने, है ना। जो मैंने बताया था भाई ये टर्म कंडीशन है, ये अप्लाई कर लेना, तभी आप गिव्वे में पार्टिसिपेट बन सकते हो। उन्होंने क्या करा, बस सिर्फ और सिर्फ कमेंट लिखा, बाहर में जाओ दुनियादारी। लेकिन बेटे हम भी उनके खलीफा ही निकले, ऐसे ऐसे फिल्टर लगा रखे थे दोस्तों, आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है ना। सबसे पहला फिल्टर तो मैं यही लगाता हूँ कि जिसने चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया,
फिर दूसरा फिल्टर इंस्टाग्राम पे उसने मुझे फॉलो किया नहीं किया, उसने कमेंट एक किया दो किए, मैं सारे फिल्टर आगे चलता हूँ भाई, टेंशन की कोई बात नहीं। तो भाई जो शान पति दिखाते हैं ना तो वो तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, ठीक है। रियल जेनुअन जो भी होंगे वो भाई सारी टर्म कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो भाई मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग कोई सा आप लोगों के भाग में हो और आप लोग ऐसी कंडीशंस ना फॉलो करो तो भाई आप लोग नहीं जीत पाओगे। मैं चाहता हूँ दोस्तों ये सारी कंडीशन आप लोग फॉलो करिए और अच्छे से विनर बनिए, ठीक है ना। तो भाई मायूस होने की कोई बात नहीं होती है कि भाई मैं नहीं बना वो नहीं बना तो भाई इस वजह से यार आप लोग परेशान हो जाते हो, गिववे निकलते रहेंगे, टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों को गिववे का विनर हर घर में से बना दूंगा, चिंता मत करना बस। अच्छा दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और भाई 5 तारीख तक टारगेट है, जल्दी पूरा करवाइए, जल्दी से जल्दी जितना हो सके, ठीक है। मैं मिलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग के, तब तक के लिए गाइस जय भारत।